दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सेल का मेथड कंकेटनेट मेथड के बारे में कि ये जो कंकेटनेट मेथड है इसको कैसे हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। इसको एग्जांपल से भी देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कंकेटनेट मेथड के बारे में। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर कंकेटनेट का मतलब बेसिकली होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को यहाँ पे कंबाइन करना, यानी कि जोड़ना। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेल्स हैं, अगर उनकी वैल्यू को आप एक साथ जोड़ के, भले वो टेक्स्ट हो, नंबर हो या कुछ भी हो, सिंबल हो, इन सबको जोड़ के आप एक नया एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं या फिर एक नया वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इसको कंकेटनेट की मेथड से आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जब आप कंकेटनेट फंक्शन को यूज करेंगे एक्सेल के अंदर, तो इस चीज को आप आसानी से चुटकियों के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो सेल है, अगर इन दोनों को सेल को जोड़ के अगर हमें यहाँ पे लेके आना है, जैसे मैं इस कॉलम का नाम दे देता हूँ कंबाइन। अगर हमें जोड़ के दोनों को यहाँ पे लेके आना है, अगर आप मैनुअली यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा। अभी तो दो है, इसके अंदर 1000 अगर होंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये एक्सेल के अंदर आप ऐसे चुटकियों में इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को कंबाइन करना है, जैसे ये लिख के है हाय ट्यूटोरियल 007 चैनल, हाय सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। अगर ये दोनों लिखवा के ऐसे लाना चाहते हैं इस कंबाइन वाले सेल के अंदर, तो इसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, देखिए कंकेटिनेट ये फंक्शन आपने लिखा। अब यहाँ पे आपने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब देखिए इसके अंदर पूछ रहा है टेक्स्ट आप पास करिए, किसको किसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को आप इसके अंदर पास करिए। तो आप इसके अंदर मल्टीपल जितनी मर्जी चाहें आप यहाँ पे टेक्स्ट पास कर सकते हैं, सबको कॉमा 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 देते हुए आप इसको पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये एक मिनट हट गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राणा, देन उसके पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंह और इसको एंटर करूंगा, तो देखिए ये कंबाइन हो गया हाय राणा सिंह। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से टेक्स्ट पास करने के लिए नहीं है, आपके पास इस तरीके से रेफरेंस है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो पहला टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये बी वाले कॉलम का, यानी कि बी टू चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया B2, फिर उसके बाद से कॉमा। अगर हमें यहाँ पे ये लिख क्या है हाई ट्यूटोरियल 007 चैनल, तो हाई और ट्यूटोरियल 007 के बीच में स्पेस चाहिए, तो सिंपल हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने लिखा और यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, ये टेक्स्ट टू कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसको हमने ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन करना है A2 को। तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए A2 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप आसानी से इसने कंबाइन करके ये रिजल्ट आपके सामने ला दिया है। ऐसे ही अब आपके पास मल्टीपल यहाँ पे है, तो मल्टीपल आप इसको यहाँ पे इस तरीके से करा सकते हैं। जितनी मर्जी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते जाइए और सेम इस फिल हैंडल की मदद से आप इसको एक साथ कंकेटिनेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कंकेटिनेट जो फंक्शन है एक्सेल के अंदर किस तरीके से काम करता है। अगर आपको इसके लिए कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।